जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉफ़ी पेन में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने महात्मा गांधी जी के शिक्षा संबंधी जो विचार थे उनके बारे में समझ लिया है। तो आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर राधा कृष्णन जी के जो शिक्षा संबंधी विचार है और थोड़ा सा उनके बारे में। तो इसमें हम दो चीज़ें आपको बताएंगे कि डॉक्टर राधा कृष्णन है उनके जीवन का थोड़ा सा परिचय देंगे और उनके विचारों को बताएंगे, ठीक, यहाँ से पेपर में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं राधा कृष्णन जी का जीवन परिचय। तो प्रश्न है, डॉक्टर राधा कृष्णन का जीवन परिचय देते हुए उनके विचार लिखिए, ठीक। तो गीता में प्रतिपादित कर्म योग के सिद्धांतों के अनुसार डॉक्टर राधा कृष्णन एक निर्विवाद निष्काम कर्मयोगी थे, भारतीय संस्कृति के उपासक तथा राजनीतिज्ञ। इन दोनों रूपों में उन्होंने यह प्रयत्न किया है कि वह संपूर्ण मानव समाज का प्रतिनिधित्व कर सकें और विश्व के नागरिक कहे जा सकें। वह एक महान शिक्षाविद थे और शिक्षक होने का उन्हें गर्व था। उन्होंने अपने राष्ट्रपतित्व काल में अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा प्रकट की थी, तभी से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया है, ठीक है। डॉक्टर राधाकृष्णन गौतम बुद्ध की तरह हृदय में अपार करुणा लेकर आए थे। उनका दीप्तिमय तथा उज्ज्वल आलोक भारत में के आकाश में तो फैला ही, विश्व की धरती भी उनकी प्रखर रश्मियों के स्पर्श से धन्य हो गई। पूर्ण आयु एवं यशस्वी जीवन का लाभ प्राप्त करने के बाद 87 वर्ष की उम्र में 16 अप्रैल 1975 को ब्रह्मलीन हो गए। कठिन से कठिन परिस्थितियों में निष्काम एवं समर्पण भाव से कर्म करने के मार्ग को डॉक्टर राधाकृष्णन पुरुषार्थ को प्रशस्त मार्ग बताते थे। सदैव परमात्मा को स्मरण रखने का अर्थ ही विश्व सत्ता के साथ स्वयं को जोड़े रखना है, समस्त की चेतना से अपने को जोड़े रखना, जिससे व्यक्ति का अभिमान कंधे पर सवार न होने पाए और अपने कर्तव्य को प्रभु की विधि मानना ही सक्रिय विसर्जन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए है। डॉक्टर राधाकृष्णन हिंदुस्तान के साधारण आदमी के विश्वास, समझदारी, उदारता, कर्तव्यपरायणता, सनातन मंगल भावना, ईमानदारी और सहजता, इन सब के साकार प्रतिबिंब थे। उन्हें बड़े देश का नागरिक होने का बोध और अधिक विनम्र बनाना था। उन्हें ऊंचे से ऊंचे पद ने और अधिक सामान्य बनाया तथा राजनीति के हर दावपेंच ने और अधिक निश्चल बनाया, ठीक। तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में ये जो बातें थी इनको आप ध्यान से सुन लीजिए, समझ जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे 1952 से 1962 तक, और ये दूसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है, 1962 से 1967। तो ये उपराष्ट्रपति भी हुए और राष्ट्रपति भी, तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु गांव में हुआ था। अब एक प्रश्न है कि भाई डॉक्टर राधाकृष्णन के विचार, तो अगर इस वीडियो से या फिर राधाकृष्णन के बारे में अगर पेपर में बनेगा तो हो सकता है कि क्वेश्चन राधाकृष्णन के विचारों से ही है। इनके विचार कौन से हैं इनको आप ध्यान में जरूर रखिए। तो डॉक्टर राधाकृष्णन के विचार जो है, तो पहला कौन सा है, धर्म का लक्ष्य क्या होना चाहिए, अंतिम सत्य का अनुभव है, ठीक। सेकंड है, दर्शन का जो उद्देश्य है, जीवन की व्याख्या करना नहीं, जीवन को क्या है, बदलना है। तीसरा है, रोटी के ब्रह्म को पहचानने के बाद ज्ञान के ब्रह्म से साक्षात्कार अधिक सरल हो जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि दर्शन का जन्म सत्यानुभव के फलस्वरूप होता है, ना कि सत्य की खोजों के इतिहास के दर्शन के फलस्वरूप। पांचवा पॉइंट है, दर्शन शास्त्र एक रचनात्मक विद्या है। छठा है कि अंतरात्मा का ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है। सातवा है, प्रत्येक व्यक्ति ही ईश्वर की प्रतिमा है। आठवां पॉइंट ये है कि एक शताब्दी का दर्शन ही दूसरी शताब्दी का सामान्य ज्ञान होता है। नाइन्थ जो हमारा पॉइंट है वो है, दर्शन का अल्प ज्ञान मनुष्य को नास्तिकता की ओर झुका देता है, परंतु दार्शनिकता की गहनता में प्रवेश करने पर मनुष्य का मन धर्म की ओर उन्मुख हो जाता है। दसवां पॉइंट है कि धर्म और राजनीति का सामंजस्य असंभव है। एक सत्य की खोज करता है तो दूसरा सत्य से कुछ लेना देना नहीं होता। ग्यारहवां पॉइंट है, महान उद्देश्य से शामिल व्यक्ति को भाग्य नहीं रोक सकता, ठीक। तो इसी क्रम में हमारा अगला जो क्रम है वो है, चिड़ियों की तरह हवा में उड़ना और मछलियों की तरह पानी में तैरना सीखने के बाद अब हमें मनुष्य की तरह ज़मीन पर चलने के लिए सीखना है। तो ये इनका विचार है, हो सकता है एक नंबर में ये पूछ लें, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। दर्शन में ध्येय की प्राप्ति का उतना महत्व नहीं जितना कि उन वस्तुओं का जो हमें मार्ग में मिलती जाती हैं। समय मूल्यवान अवश्य है, परंतु समय से भी मूल्यवान क्या है, सत्य है। मानव का दानव बन जाना उसकी पराजय है, मानव का यही मानव होना उसका चमत्कार है, और मानव का मानव होना उसकी विजय है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी के विचारों को आपने 15 पॉइंट में समझा। आप यहाँ पर 8 से 10 पॉइंट अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, एकदम
याद क्या समझ लीजिए, ठीक है, आप समझ में आ जाएगा। दो तीन बार पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, और जब नहीं समझ में आता है सबसे बढ़िया होता है आप लिख के प्रैक्टिस करिए। कोई चीज़ लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, और थोड़ा सा उसको खुद से बोलने का प्रयास करिए तो ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो फिर यहीं तक ये वीडियो है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए व्यूवर्स हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।